हाय गाइस, व्हाट्स अप। दिस शुभजीत भट्टाचार्य उस शुभ दोस्त। आज मैं बताऊंगा 2019 साल मिथुन राशि का कैसा जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ 2018 से बहुत बेहतर जाएगा। मैं इस वीडियो में हर सब टॉपिक कवर करूंगा, तो इसके बारे में जानने के लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। लेकिन जो लोग इस चैनल में पहली बार आए, तो सब्सक्राइब ना भूलना और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, और लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलना, ये भी बिल्कुल फ्री है। तो फिर चलिए दोस्तों, फिर शुरू करते हैं। बात करते हैं बिजनेस वालों के लिए। 2018 में जो प्रॉब्लमदायक समस्या आप लोगों के लिए आए, 2019 से बहुत बेहतर रहेगा। लेकिन पहले ही बताना चाहता हूँ, इस साल में 3 बार आपके पैसा फंसने के चांसेस हैं। इसके साथ साथ दोस्तों, जो लोग बिजनेस पार्टनरशिप में करते हैं, बिजनेस पार्टनर के साथ तो अनबन हो सकता है, लेकिन वो सही हो जाएगा दोस्तों। जब बुध धनुराशि में प्रवेश करने साल के शुरुआत में, तब आप लोगों की नया उपाय मिलेगा, पैसा इन्वेस्ट करने के नया रास्ते मिलेंगे। आप लोग अपने बिजनेस को बहुत बढ़िया तरह से बढ़ा सकते हैं, खास करके जो लोग फूड रिलेटेड इंडस्ट्री में हैं, होटल रिलेटेड इंडस्ट्री में, टेलीकॉम रिलेटेड कॉरपोरेट इंडस्ट्री में, इनके लिए बहुत बढ़िया जाएगा। अगर इसलिए कोई बिजनेस करते हैं आप लोग, तो बहुत बढ़िया जाएगा आप लोगों के लिए। इसके साथ साथ दोस्तों, जब 6 मास को केतु और शनि की युति बनेंगे, शापित दोष अर्पित दोष, इस समय तो बहुत सारे चैलेंज आ सकते हैं। इस समय आपको संभल रहना पड़ेगा। जो लोग शेयर बाजार, सट्टा बाजार, स्पेकुलेशन मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, उनके लिए कहना चाहूँगा थोड़ा समझदारी से इन्वेस्ट करना आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा दोस्तों। 28 मार्च को जब शुक्र उसके हो जाएंगे, तब आप लोग इस समय आप लोग दोस्तों नया प्लानिंग कर सकते हैं। नया प्लानिंग के बहुत सारे उपाय मिलेंगे आपको। आप लोग मशीनरी खरीद सकते हैं, मशीनरी खरीद सकते हैं, प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं, अपने बिजनेस को भी बढ़ाने के बहुत ज़्यादा इस समय चांसेस होगा दोस्तों। और 9 सितंबर को जब फेनेस भरगो राशि में जाएंगे, तो नीचे हो जाएंगे। इस समय आप अपने इक्विपमेंट का ख्याल रखें, आप अपने बिजनेस प्लानिंग को ख्याल रखें। कोई भी बड़ा काम करने से पहले, कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से पहले सोच समझ के करिए। और इस समय आप लोग सेल्स क्रिएटेड अगर बुक पढ़ेंगे, तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। साल के आखिर में जाते हैं, जो नवंबर में 5 नवंबर को जब जुपिटर अपने राशि पर जाएंगे, हंस योग को क्रिएट करेंगे, तब आपके लिए बहुत बढ़िया समय रहेगा। लक्ष्मी की पूरा कृपा रहेंगी। इस समय आपको जितना मेहनत करना, इस समय आप कर सकते हैं, और प्रॉफिट भी उतना ही मिलेगा दोस्तों। साल के शुरुआत में ही जब 5th हाउस में मंगल की पूर्ण दृष्टि रहेगी, तब लोग मेडिकल जुड़े हुए, कंप्यूटर टेक्निकल लाइन से जुड़े हुए, इंजीनियरिंग लाइन से जुड़े, हर सत्व को इलेक्ट्रॉनिक से जुड़े हैं, सत्व को यहाँ पर नया मुकाम हासिल करने की चांसेस रहेंगे। इसके साथ साथ दोस्तों, जब 15 अप्रैल को मीन राशि में जाके शुक्र उच्च हो जाएंगे, जो लोग बैंकिंग आदि सेक्टर से जुड़े हुए काम करते हैं, कॉमर्स रिलेटेड पढ़ाई करते हैं, इनके लिए बहुत सुनहरा मौका रहेगा। हर दिन कुछ नया सीखने के लिए, नया जानने के लिए, नया पढ़ने के लिए, अच्छे रिजल्ट करने के लिए, हर तरह की चीज़ें में इनके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। 9 सितंबर का वही शुक्र जब अपने नीच की राशि में प्रवेश करेंगे भर्गो में, तब यहाँ पर प्रॉब्लम आदि आ सकते हैं। आप अपने दोस्तों के साथ घूमने जा सकते हैं, आप अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के रिलेशन में फंस सकते हैं, इस तरह पढ़ाई में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमदायक हो सकता है। तो इस समय आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा आपके वाणी के ऊपर, आपके हर चीज़ के ऊपर। इसके साथ 3rd अक्टूबर को जब शुक्र तुला राशि पर जाके बुध के साथ युति बनाएंगे, तब आप बहुत बढ़िया रहेगा। खास करके जो लोग विदेश में जाके पढ़ना चाहते हैं, कुछ अलग जगह जाके पढ़ना चाहते हैं, अच्छी यूनिवर्सिटी में जाके चांस पढ़ना चाहते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों, जो लोग स्कॉलरशिप पाना चाहते हैं, स्कॉलरशिप लेके पढ़ना चाहते हैं, उच्च शिक्षा जाना चाहते हैं, मिथुन राशि के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। इसके साथ साथ जो प्राइमरी पढ़ रहे हैं दोस्तों, इनको जब 9 सितंबर को शुक्र नीच हो जाएंगे, इस समय इनको बहुत शरारत करेंगे लोग, तो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। आप बहुत ज़्यादा प्राणायाम करिए कंस्टेंट। साल की शुरुआत में जो लोग जॉब करना चाहते हैं या फिर जॉब में, वो लोग प्लानिंग बना लीजिए। जो हमारे इनकम हाउस के लॉट है मंगल, और 10th हाउस पे जब जाएंगे, और सूर्य और बुध की जब युति बनेगी, बुध रहती योग बनेगी, तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। इस समय आप अपना काम अपने सीनियर को दिखाइए, जो आपके लिए बहुत पॉजिटिव समय रहेगा। और गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए बहुत बढ़िया समय रहेगा। काम में बात करके इम्प्रूवमेंट करने के लिए बहुत बढ़िया समय है। वहीं 7 मई को जब मंगल मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे और राहु के साथ युति बनेंगे, तब आप लोग एक अंगारक दोष होगा, जब इस समय आपको अपने बातों के ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा, या फिर बातों को अगर कंट्रोल नहीं करेंगे, इस समय आप अपने बातों की वजह से काम से निकाला जा सकता है। इसी तरह 17 अगस्त को अगर सिंह राशि पे जब मंगल होगा, यहाँ पर पराक्रम योग होगा, इस समय आप अपने पराक्रम के माध्यम से जॉब पाना, या फिर जॉब में इंक्रीमेंट होना, या जॉब में प्रमोशन होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा बनने के चांसेस है। इसी साथ साथ साल के आखिर में जब 5 नवंबर के जुपिटर 9th हाउस में जाएगा और हंस योग करेगा धनुराशि में जाके,
इस समय आपके लिए बहुत पॉजिटिव समय रहेगा। आप अपने जो आपकी समझदारी आपकी बढ़ेगी, आप अपने दिल से अपनी बुद्धि से अपने नॉलेज से आप अपने काम के आगे ले जा सकते हैं। जो लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करें इनके लिए बहुत बढ़िया समय है। इस समय अपने आपको दिखाना इस समय बहुत बढ़िया है, तो प्लानिंग करके चलिए इस समय पहले ही बता दें। इसके साथ साथ दोस्तों 5 फरवरी को जब मंगल मेष राशि पे जाएंगे, जो लोग जॉब चेंज करके नया जॉब जाना चाहते हैं, जो लोग जॉब प्रमोशन पाना चाहते हैं या फिर जॉब पे अलग स्थान पे जाके जॉब करना चाहते हैं, इस समय आपके लिए बहुत बढ़िया समय रहेगा दोस्तों। इसके साथ साथ दोस्तों जब अप्रैल में वेनस 15 अप्रैल को जब वेनस मीन राशि पे जाएंगे तब उच्च हो जाएंगे। इस समय आपके अपने जॉब की वजह से बहुत ज़्यादा फायदा होगा एवं आप बहुत सी लग्जरी लाइफ जी सकते हैं इस समय, तो बहुत बढ़िया रहेगा दोस्तों। इसके साथ साथ 9 अगस्त को जब मंगल सिंह राशि पर जाएगा और आपके 10 हाउस और 9 हाउस ऑफ डिजिटल इस समय बहुत बढ़िया रहेगा दोस्तों। इस समय आप अपने जॉब पाना, नया जॉब पाना या फिर जॉब चेंज करके अलग जगह जाना, सैलरी बढ़ना, इस समय बहुत अच्छा बढ़िया चांसेस रहेंगे दोस्तों। दोस्तों साल के शुरुआत में जब 5th हाउस के लॉर्ड शुक्र और जुपिटर की उति बनेगी, इस समय आप अपने प्यार को नया मुकाम दे सकते हैं, प्यार नया प्यार ढूंढ सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों प्यार को शादी में तब्दील करना, प्यार में और गहराई जाना, प्यार को ढूंढ पाना इस समय बहुत बढ़िया समय रहेगा दोस्तों। इसके साथ 10 मई को जब शुक्र मेष राशि में जाएंगे और इसके साथ साथ दोस्तों उनकी 5th हाउस में दिशा जाएगी और शुक्र और राहु की युति बनेगी, इस समय अगर कोई प्यार में चीटिंग कर रहा है वो सामने आ जाएगा, तीसरा व्यक्ति है प्यार में वो सामने आने के चांसेस हो सकता है दोस्तों। 9 सितंबर को जब भर्गो नीच की हो जाएंगे, मतलब शुक्र जब भर्गो राशि में जाकर नीच की हो जाएगा दोस्तों, इस समय आप अपने जो प्यार कर रहे प्यार की खुलासा सभी के सामने हो सकता है, आप माता पिता के सामने प्यार का खुलासा हो जाएगा और प्यार तोड़ने के चांसेस हो सकते हैं, ब्रेकअप होने के चांसेस, घर में डांट पड़ने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो रहा है दोस्तों। जब दोस्तों 3 अक्टूबर को शुक्र तुला राशि में जाएंगे अपनी राशि पे, इस समय प्यार फिर से बनने लगेगा, प्यार के एक मुकाम पा सकते हैं, अपने परिवार के जाके बात कर सकते हैं, अपने शादी के लिए घर वालों को जब प्यार का शादी में तकनीक करना चाहते हैं और कुंडली मिला के जरूर शादी करना। 7th हाउस में जब सूर्य और शनि की युति बनेगी और राहु की दृष्टि होगी, इस जो बहुत बुरा समय होगा, इस समय आपको थोड़ा सा संभल करना पड़ेगा। इस समय आप थोड़ा बात बात होना, कलेश होना, दूसरा झगड़ा होना, फैमिली थोड़ा टेंशन रहना इस समय हो सकता है दोस्तों। इसी साल की शुरुआत में 5 जनवरी को जब मिथुन राशि में बुध की युति बनेगी तब आपके लिए बहुत बढ़िया समय रहेगा। आप अपने पार्टनर को गिफ्ट दे सकते हैं या फिर घूमने जाना, प्यार मोहब्बत की बातें करना, इस समय आप एक्सरसाइज के लिए तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा, मोहब्बत बनना, घूमने जाना, इस समय बहुत बढ़िया चांस में। इस साल के पूरे साल में तीन बार ऐसे प्लान आप हो सकते हैं जिनमें आप लोग बाहर घूमने जा सकते हैं थोड़ा घर से दूर। और इसके साथ साथ दोस्तों समय ऐसा है दोस्तों, सेपरेशन का समय होगा, जब आप लोग अपने घर छोड़ के अपने खुद का एक घर बनाना चाहेंगे, जॉइंट फैमिली छोड़ कर एक सिंगल का एक छोटा परिवार बनाना चाहेंगे। 9 सितंबर को जब भरको नीच हो जाएंगे और केतु और शनि की युति बनेगी, शापित दोष होगा, इस समय भरको राशि में जाने से इस समय आपकी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, सेपरेशन होने, डिवोर्स होने के चांसेस भी बन सकते हैं, तो थोड़ा सा संभाल कर रखना पड़ेगा अपने वाणी को, अपने हर एक चीज़ को सोच समझ कर कदम लेना पड़ेगा आपको। 8 अक्टूबर को तुला जब अपनी राशि पर आएंगे, तुला राशि की लॉर्ड जब अपनी राशि पर आएंगे शुक्र और इसके साथ बुध की युति बनेंगे, तो इस समय बहुत बढ़िया होगा घूमने जाने के लिए, शुभ मांगलिक कार्य करने के लिए, मांगलिक कार्य साथ मांगलिक कार्य से पॉजिटिविटी बनने की बहुत ज़्यादा चांस होगा, लाभ प्यार बढ़ेगा, मोहब्बत बढ़ेगा, फैमिली में आप एक दूसरे को समझ पाएंगे, झगड़ा खत्म होने के बहुत सारे चांसेस हो रहा है दोस्तों। बात करते हैं ट्रैवलिंग की दोस्तों, जब 10th हाउस के लॉर्ड शुक्र और जुपिटर की युति बनेगी, शंख योग बनेगा, इस समय आप लोग नौकरी पेशा में हैं, इस समय आप लोग विदेश जा सकते हैं, नौकरी के रिलेटेड काम कर सकते हैं, वहाँ पर आप लोग नया दिशा ढूंढ सकते हैं, कोई ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसा काम जो आपको फ्यूचर में और भी सिक्योर कर सकते हैं अपने लाइफ के बारे में दोस्तों। जब 15 अप्रैल को शुक्र उच्च हो जाएंगे मीन राशि में जाके लोग अपने फैमिली के साथ घूमने जाना, लवर के साथ घूमने जाना, जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं विदेश जाके पढ़ना चाहते हैं, इस समय आपके लिए बहुत बढ़िया समय रहेगा दोस्तों। 9 अगस्त को जब मंगल सिंह राशि में जाके 10th हाउस और 9th हाउस पे पुण्य दृष्टि डालेंगे, इस समय आप लोग जो लोग बिजनेस रिलेटेड काम करते हैं, लैंड रिलेटेड काम करते हैं, विदेश में बेचना चाहते हैं या वहाँ पर जाके कुछ खरीदना चाहते हुए या विदेश जाके कोई बिजनेस करना चाहते हैं, इसमें आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा दोस्तों। जब धनु राशि पर 5th नवंबर को
चाहेंगे जुपिटर, इस समय आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। आप लोग जो लोग हनीमून जाना चाहते हैं या फिर सेकेंड हनीमून जाना चाहते हैं या फिर कहीं घूमने जाना चाहते हैं फैमिली के साथ, अपने लवर के साथ, अपने बीवी के साथ, पति के साथ, इसमें आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा दोस्तों। दोस्तों बात करते हैं भूमि बाबा माखन के बारे में। फोर्थ हाउस के लोग जो बुध सेवन हाउस में आकर सूर्य के साथ जाती है, योग मानेंगे इसमें आप नया जमीन इसके साथ दोस्तों मंगल की पुण्य दृष्टि रहेगी। आप लोग नया वाहन कर सकते हैं, नया जमीन कर सकते हैं, घर को बड़ा बना सकते हैं, घर को सही कर सकते हैं, पुनः घर को अच्छे से डेकोरेट कर सकते हैं दोस्तों, नया फ्लैट कर सकते हैं, चार पहिए भी खरीद सकते हैं दोस्तों। सेवन मे को जब राहु के साथ मंगल की युति होगी, अंगारक दोष बनेगा मिथुन राशि पे और शनि की पुण्य दृष्टि रहेगी फोर्थ हाउस पे, समय वाद विवाद चलने में तो जमीन के लिए वाद विवाद चले उसकी खल निकल आएगा, आप पुराना जमीन जो अटका हुआ था वो निकल आएगा, आप नया पुराना जमीन को बेच के नया फ्लैट खरीद सकते हैं, नया जमीन खरीद सकते हैं दोस्तों, और आप लोग इंश्योरेंस क्लेम कर सकते हैं दोस्तों, कोर्ट कचहरी में चलने में जो संपत्ति के प्रॉब्लम वो भी हल हो सकता है दोस्तों। 10 सितंबर को जब बुध अपनी राशि में जाकर उच्च हो जाएंगे, इस समय आप लोग नया कार खरीद के बहुत बढ़िया चांस है कि माता की तबीयत बहुत बढ़िया रहेगा दोस्तों। अब बात करते हैं हेल्थ और एनिमी की। जब 6th हाउस का लॉर्ड 10th हाउस में जाके अपनी दिशा जाएंगे और शुक्र और जुपिटर की युति बनेगी, इस समय शत्रु का नाश होगा, आप लोग रुका हुआ पैसा आकस्मिक धन भी पा सकते हैं दोस्तों। आपके साल में हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम में किडनी का प्रॉब्लम हो सकता है दोस्तों, ब्लड प्रेशर रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है, पेट रिलेटेड प्रॉब्लम भी होने के चांसेस है, सर दर्द, बैक पेन के होने के चांसेस बहुत ज़्यादा मैं देख रहा हूँ दोस्तों। 6th हाउस के अलावा मंगल जब 10th हाउस में जाएंगे और जब 6th हाउस में जुपिटर जाएंगे, जो इस समय आपका जो आकस्मिक धन कहा था उस समय, इस समय भी पाने के बहुत ज़्यादा चांस है, आप मैं देख रहा हूँ, बट पैसा जो आ रहा है वो कहीं कहीं हेल्थ में ना चला जाए, हेल्थ के रिलेटेड प्रॉब्लम में ना चला जाए, तो इसके समय ध्यान रखना। 22 जून को जब कर्क राशि में मंगल नीच हो जाएंगे, इस समय बैक पेन होने के चांसेस भी आप लोग देख सकते हो दोस्तों, साल भर सर दर्द होने के चांसेस होगा दोस्तों। जब राहु और सूर्य की युति बनेगी दोस्तों 7 अक्टूबर को, इस समय भी आपको जो रुका हुआ पैसा है, लोन यहाँ पर फंसने के चांस है, उधारी देने से पहले थोड़ा सोच समझ कर दे, जो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा दोस्तों, ना सोच समझ कर देना है, पैसा अटकने के चांसेस में देख रहा हूँ दोस्तों। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करना, बोले सर मेरी बाकी वीडियो भी देखना, आप लोगों को फेसबुक इंस्टाग्राम ट्विटर पर बहुत आसानी से फॉलो करता है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।